बड़ी और छोटी आंत आते लंबी नलियां होती हैं जहां आहार अंतिम रूप से खंडित और अवशोषित होता है छोटी आंत लंबी कुंडलित नली होती है जहां पचा हुआ आहार पूरी तरह खंडित होता है और रक्त में अवशोषित होता है बड़ी आंत अनपचे आहार से जल अवशोषित करती है और अवशिष्ट आहार को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालती है